एक छोटे से गांव में आए हैं जिसका नाम वाली है, महाराष्ट्र में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और ये गांव थोड़ा सा अंदर आता है, दूसरे भी गांव है जहाँ पे, यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर दूर पे नेटवर्क आ जाता है, इतना भी अंदर नहीं है। आप देख सकते हो गांव बहुत ही सुंदर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है, 4-5 पहाड़ है आसपास और बीच में छोटा सा गांव है। एकदम सुकून वाली लाइफ है, स्लो लाइफ है और शांत एकदम माहौल है, एकदम पीस। आप सुन सकते हो दूर दूर से जो पक्षियों की, पंछियों की आवाज़ आ रही है, नो ट्रैफिक, नथिंग, ओनली पीस। ये छोटा सा पुल है और यहाँ पे बांध भी बनता है जब नदी ओवरफ्लो होती है। बैल का रेस होता है यहाँ पर, ये वहाँ का मैदान है जी। मेरा नाम अमर शिर्के, अमर सदानंद शिर्के। मेरा गांव का नाम है वाली, गौतमी नगर वाली, बौद्धवाड़ी। रेस की गाड़ी है तो इसको छकड़ा कहते हैं, इधर बैल का रेस होता है तो उसको छकड़ा कहते हैं। ये हमारे बड़े भाई का छकड़ा है, बावड़ी है, कुआ बोलते हैं उसको, गाँव में बावड़ी बोलते है। मेरा नाम विशाल विजय सालवे, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, नरमेंट पॉइंट में। अभी फिलहाल मैं छुट्टी पे आया हूँ 1 मंथ के लिए, तो ऐसे मज़ा लेने आया हूँ छुट्टी का, थोड़ा गांव यार में भाई लोग हैं, मामा चाचा ये लोगों सबको मिलने। तो अभी मेरी छुट्टी कंप्लीट हो रही है, तो टुडे आई एम गोइंग टू माय होम। बॉम्बे की लाइफ एक है कि वहाँ पे हम पैसा कमाने जाते हैं, पर जो सुकून है वो हमारे गाँव में। हम लोग गाँव में सुकून में आते, 10-15 दिन 20 दिन की छुट्टी लेते, फिर हमारे वर्कआउट के लिए जाते हम स्कूल जाते हैं। हाँ, ये बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। इधर ही हमारे गांव में चाला है, उसमें स्कूल है। नाम बोला फटाफट सर्वे नीति का। तुझे नाम सांग, तुझे नाम सांग फटाफट। हाँ, मनोज पवार बाबू, तुझे नाम सांग, नाम सांग ना, भूल गया भूल गया बोलता नहीं भाई, तुझे नाम सांग। सरल 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 बोल बोल सरल। गांव का बचपन बहुत अच्छा होता है, शहर के बचपन से काफी अलग होता है गांव का बचपन। इसका नाम है करवंदा, जैसा अपना ब्लैकबेरी रहता है उसी टाइप पे ये रहता है। तो यहाँ पे इसकी आबादी बहुत रहती है, बहुत बोलेगा तो बहुत। इसको राजन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये करवंदी की तरह ही होता है, ये थोड़ा सा मीठा है ज़्यादा। माझं नाव मनोहर बालराम शिर्के, राहणार वाली, गौतमी नगर, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड। माझ्या डॅडींना लहानापासून म्हणजे जेव्हा ते इथे गावात मी पैदा झाले, तिथूनच त्यांना हे सगळे शौक होते, म्हणजे बैलगाडी, झुंजांचे म्हणजे रेड्यांची झुंज, आणि ह्यातून त्यांनी निर्माण म्हणजे 25-30 वर्ष ते बैलगाड्यांची शर्ती करतात ते। त्यांना बैलांचं एवढं शौक होते की तुम्ही ज्याच्यामध्ये बॅनर आहेत त्याच्यामध्ये 25-30 बैल त्यांनी स्वतःने घेतले आणि ते बैलगाडी शर्तीमध्ये हाकलायचे, स्वतः हाकलून त्यांच्यात म्हणजे नंबर आहे, ट्रॉफ्या येतात
आणि त्याच्यामध्ये नाव लोक त्यांचं व्हायचं त्यांनी नाव मोठं केलं इथं इथं सामाजिक लेवलला नाव एवढं मोठं केलं की आमच्या गावाचं नाव मोठं व्हायला लागलं. आणि एवढ्या गोष्टी केल्यानंतर आम्हाला त्यांच्यापासूनच म्हणजे या बैलांच्या मुलं किंवा ढेड्यांच्या मुलं लोक ओळखायला लागली या गावामध्ये या परिसरामध्ये या शहरामध्ये. आता वडील आमचे काहीतरी गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्येच 3 जूनलाच मी झाले आता त्यांची पुण्यतिथी आहे 3ला आणि मी माझ्या वडिलांचा वारसा आहे म्हणजे ते त्यांचं नाव राहावं म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी शेती किंवा जे जे त्यांना आवड होती जे बैलांच्यामध्ये झुंज कमिटी झुंज रेड्यांची झुंज हे मी करतच राहणार आहे कारण ते हे करणं मला भागच आहे कारण माझ्या वडिलांचं नाव आहे तर ते माझं नाव राहणार आहे पुढे माझी जे वारस येतील ते काहीतरी करतील. आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में. ऐसे और छोटी छोटी जगह मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. आप बताइए अगर आपके रिकमेंडेशन पे कोई छोटा सा गांव है कहीं पर जो बहुत अच्छा है जो रीचेबल है मुंबई से, क्योंकि हम जो है मुंबई में बेस्ड है. अगर मुंबई से बाहर भी हुआ महाराष्ट्र से बाहर भी हुआ तो वहाँ भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और नेचर को बताएंगे. ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टाउन स्टोरीज़.